26 पे हूं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारे अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह वाला बिंदु है कि इस बार 25 26 27 अगली बार टॉप कर जाऊंगा। हिम्मत से फिर खड़े होना है। मैंने तुम लोगों की पीड़ाओं को बहुत देखा है। मैंने एक बच्ची कल मेरे पास फोन करने लग गई और रोने लग गई, बोले सर 5 साल हो गए करते करते, छोटी सी उम्र में जॉब करनी पड़ी, भाई को जॉब करनी पड़ी, सर हर बार एक नंबर से रह जाती हूं, सर मैं क्यों रह जाती हूं एक नंबर से, मेरे साथ क्यों होता है? पापा ने जॉब छोड़ दी, पापा की परिस्थितियां, घर को संभालने के लिए हम भाई और बहन ने छोटी सी उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी, सर स्कूल जाती हूं 5 6 साल हो गए, सर बताओ मैं क्या करूं, हर बार एक नंबर से क्यों रह जाती हूं? वही लाइन पे रहना, 130 131 नंबर आ जाना EWS में। तो पीड़ाएं बहुत हैं आप लोगों की, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दर्द से भर जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूं, उस दर्द को आग का शोला बनाना, उस दर्द को मशाल बनाना, फिर से खड़े हो जाना। याद रखना, ये दुनिया तो यही चाहती है कि तुम रोने बैठ जाओ, लेकिन धीर सर कहते हैं कि तुम रोना मत, तुम फिर से खड़े होना, तुम फिर से इतिहास रचना, और तुम ग्रेड थर्ड नहीं, तुम IAS बनने की सोचना, तुम बनोगे, याद रखना।